नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर पड़ने वाली मंदिर को पूरे देश से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए देश के 2000 से अधिक स्थलों की मिट्टी, सभी पवित्र और पौराणिक स्थलों के जल और मिट्टी आई हुई है। राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान हल्दी घाटी, झांसी के किले, छत्रपति शिवाजी के संघर्ष स्थान, दुर्गा भवानी समेत सभी देश के प्रमुख स्थलों की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। राम मंदिर की न्यू मैप, पवित्र नदियों और सभी प्रमुख स्थलों को मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री अशोक तिवारी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में धार्मिक स्थलों के साथ पौराणिक और उन सभी स्थलों की मिट्टी का प्रयोग राम मंदिर की न्यू में किया जा रहा है, जो भारत को विश्व में स्थापित करने के लिए अहम रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पूरे शहर को सजाया संवारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भूमि पूजन के लिए इस देश के 2000 से भी अधिक स्थानों की पवित्र रज आई हुई है। देश की प्रत्येक नदी का जल, इसके अतिरिक्त समुद्र का जल, गंगा सागर का जल, मानसरोवर का जल, ये सब ऐसा आया हुआ है। और मुझे नहीं ध्यान में आता है कि शायद कोई देश का तीर्थ ऐसा रहा होगा जहाँ से जल इस कार्य के लिए ना आया हो। और हम लोगों ने प्रयत्न भी ये किया था कि चूँकि राम के आंदोलन से यह संपूर्ण देश जुड़ा रहा है, तो इस नाते से भी इस भूमि पूजन के समय भी संपूर्ण देश को किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। तो वो जोड़ने का हमने यह एक प्रकार सोचा कि प्रत्येक तीर्थ का और प्रत्येक स्थान का, जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा है उस स्थान की रज और वहाँ का जल यहाँ पर आना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी कोई आध्यात्मिक या तीर्थ स्थान वैसा नहीं है, लेकिन वह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक स्थान है। तो हल्दी घाटी की भी रज आई हुई है, झांसी के किले की भी रज आई हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहाँ संघर्ष किया, जिन किलों को जीता, जहाँ ये सब हुआ, तो उन स्थानों की भी रजाई हुई है। तुलजा भवानी के स्थान की भी मिट्टी आई हुई है। तो ऐसे सब स्थानों से यह रज और पवित्र जल आया है, सभी तीर्थों का जल आया है और सभी स्थानों का की रजाई हुई है यहाँ पर। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।